दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं और स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको जरूरी होगा डीमैट अकाउंट, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। और मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो ना तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगने वाला है और ना ही अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगने वाला है, और जो बाकी के थोड़ा बहुत जो चार्जेस है वो भी कम आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रोसेस करिए और 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा और इंस्टेंट, जो कि 5 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, मैं जिस डीमैट अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं वो आप धन एप्लीकेशन से खोल सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे अकाउंट ओपनिंग AMC एंड प्लेटफॉर्म फी बिल्कुल फ्री है, यानी कोई भी आपको नहीं लगता, ना तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, ना ही AMC यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म फी है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके काफी आसानी से आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से अकाउंट ओपन करना है वो आगे आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले और भी बता दूं, फॉर इक्विटी डिलीवरी ETF एंड IPO एंड म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्री है, कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो फॉर इक्विटी इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट ऑफ फ्यूचर, जो कि 20 रुपए या फिर 0.03%, जो कि काफी कम यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको बताऊं कि फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शंस, इसमें 20 रुपया यहां पर ट्रेड वैल्यू पर ऑर्डर के अनुसार से बताया गया है, जो कि काफी कम फी रखा गया है। और भी डिटेल में आप जानना आती है इक्विटी FNO और यहां पर जो भी चीजें हैं आप यहां पर जान सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल फोन में। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन ओपन करना होगा, जो कि ओपन पर क्लिक करके आप ओपन करेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन की परमिशन को दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ओवरव्यू एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से दिखाता है, आप चाहे तो यहां पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे में एंटर मोबाइल नंबर की ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज कर देंगे और उसके बाद I am ready पर क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड भेजे जाते हैं। उस OTP को यहां पर दर्ज करना है ताकि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो सके और यही मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ रजिस्टर हो जाएगा। OTP दर्ज करके आप प्रोसीड करेंगे, उसके बाद जीमेल अकाउंट डालने को बोलेगा, यानी आपका जो ईमेल है वो दर्ज करेंगे। अगर आप जीमेल से सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंटिन्यू विथ जीमेल पर क्लिक करके जो भी आपके जीमेल में अकाउंट ईमेल अकाउंट लॉगिन है यहां पर दिखाएगा, उसमें से आप चुन लेंगे जिसे आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहां पर 6 डिजिट का पिन दर्ज करना है, जो कि ऊपर में भी और नीचे जो री एंटर दिया गया है कन्फर्म पिन उसमें भी सेम, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आप फेस आईडी से अनलॉक वाला सिस्टम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसकी फॉर नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर फिनिश KYC एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आएगा। नीचे में आप देखोगे हैव ए रेफरल कोड, इस पर आप क्लिक करेंगे, रेफरल कोड दर्ज कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दर्ज करने के बाद आप यहां से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है, आप यहां पर पैन नंबर को दर्ज करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करेंगे। पैन कार्ड का सिंपल बताया जाता है कि इस प्रकार के पैन कार्ड होते हैं, आप चाहे तो बिना रेफरल कोड से भी यहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, लेकिन आप रेफरल कोड जरूर एंटर करिएगा। सारा डिटेल एंटर करके आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पर पैन इंफॉर्मेशन, जिसमें फैच किया जाता है जो भी नाम है पैन कार्ड के ऊपर, वो यहां पर आपका शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपका सही है तो यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आता है वेरीफाई आधार का ऑप्शन, जिसमें आपको आधार वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको वेरीफाई विथ DigiLocker वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ताकि DigiLocker से आपका वेरीफाई हो सके। अब ये रीडायरेक्ट कर देगा DigiLocker की पोर्टल पर, जिसमें आपको अपना आधार नंबर को दर्ज करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP भेजा जाता है। आप यहां पर OTP को दर्ज कर देते हैं काफ़ी आसानी से, और उसके बाद आप यहां से सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोसेस लेता है, थोड़ा सा वेट करना होता है। अब अगर DigiLocker का आप सिक्योरिटी पिन नहीं बनाए रखते हैं तो 6 डिजिट का DigiLocker सिक्योरिटी पिन बनाना होता है और उसके बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।
इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा जब तक यहाँ पर प्रोसेस लिया जा रहा। आप देखेंगे डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट क्या क्या फैच किया जाएगा, तो आपका आधार और उसके बाद पैन। आप यहाँ पर देखेंगे पर्पस क्या है, तो नो योर कस्टमर यानी KYC के लिए ये मांगा जा रहा, जो कि नो योर कस्टमर पर टिक है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर नो योर कस्टमर पर ही टिक रहने दीजिए और उसके बाद नीचे अलाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप अलाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है डिजी लॉकर से और इस प्रकार से सक्सेस बताएगा। अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैरिटल स्टेटस और उसके बाद क्या आप फादर नेम दर्ज करना चाहते हैं, अगर मैरिड है तो हस्बैंड नेम भी दर्ज कर सकती हैं। नेम दर्ज करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड अहेड की ऑप्शन आता है जिस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपना एक सेल्फी लेना है जिसका अकाउंट आप खोल रहे हैं। ओपन कैमरा पर आप क्लिक करेंगे, सेल्फी बिना मास्क का होना चाहिए, फेस क्लियर दिखना चाहिए, सामने रखना है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर आपको क्लिक करना होगा फोटो कैप्चर के लिए। रिकॉर्ड की परमिशन देना होगा, परमिशन देने के बाद कैमरा यहाँ पर खुल जाएगा, आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे, ये कुछ वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करती हैं। जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करती हैं तो उसके बाद आपसे सिग्नेचर करने को बोलता है, तो साइन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर सिग्नेचर करना होगा। अगर गलत हो जाता है तो आप क्लियर बटन पर क्लिक करके इसे मिटा देंगे और फिर से आप यहां पर सिग्नेचर कर देंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं उठाना है, बस आराम आराम से आप सिग्नेचर करिए। अगर गलती होता है तो क्लियर पर क्लिक करके फिर से करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नेचर करिए और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड बटन पर क्लिक करिए। सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से बताएगा, अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपका अपना सालाना इनकम कितना है वो रेंज यहाँ से आपको चुन लेना है, जो भी आपका एनुअल इनकम रेंज है वो यहाँ से चुन लेंगे, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से नीचे या 5 लाख से ऊपर, जो भी है आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन मतलब आपका पैसा क्या है वो आप अपना पैसा यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल से 5 साल, 5 साल से ऊपर, या फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहां पर चुन सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर कमोडिटी ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंडेटरी डिक्लेरेशन जिसे आप टिक रहने देंगे। ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस आता है, अपने मन के अनुसार से प्रेफरेंसेस चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे टिक बॉक्स को टिक करना है और टिक करने के बाद प्रोसीड अहेड पर क्लिक करना है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ रिस्क वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है। प्रोसीड अहेड टू ट्रेड पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने आता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, ताकि आप F&O ट्रेडिंग जो है यहां पर एक्टिवेट कर सके, जो कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे इनेबल बाद में भी कर सकते हैं, और अगर अभी आप इनेबल करना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट या तो अपलोड करिए, नहीं तो सैलरी स्लिप आप अपलोड करिए, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं वो आप अपलोड करिए, नहीं तो डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट आप अपलोड करिए, और नहीं तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करिए। तो इस फीचर को बाद में भी आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो, तो एक्टिवेट लेटर पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन आएगा, जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन UPI से अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो यहां पर आप लोगों का वेरिफिकेशन जो है 1 रुपये भेज कर कंप्लीट किया जाता है बैंक अकाउंट, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। UPI एप्लीकेशन को चुन लेंगे जिसमें जिसके नाम से आप यह अकाउंट खोल रहे हैं उसके नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पर बैंक वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपया सेंड करना पड़ेगा। आप चाहे तो मैनुअली बैंक अकाउंट भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, तो इसके लिए करना क्या होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को आपको कैंसिल कर देना होगा, ठीक है। जब आप कैंसिल करेंगे उसके बाद ही ऑप्शन मिलेगा, घबराइए नहीं। तो आप जैसे देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसे मैंने कैंसिल कर दिया, यस कन्फर्म कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अब दूसरा जो ऑप्शन मिला है वो नीचे मिला है, एंटर IFSC एंड अकाउंट नंबर, तो आप यहां पर मैन्युअली भी दर्ज कर सकते हो प्रोसीड पर क्लिक करके। लेकिन मेरा UPI लिंक है तो मैं यहां पर UPI के ऑप्शन को चुनता हूं, जो कि ट्राई वेरीफाई विद UPI अगेन, इस पर क्लिक करता हूं और प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन पर क्लिक करता हूं। जिसके नाम से आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं उसके नाम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहां पर 1 रुपये सेंड कर देता हूं, UPI पिन दर्ज किया। दर्ज करने के बाद आप देखेंगे पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया, राइट। अब यहां पर डन पर क्लिक करता हूं और इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो चुका बैंक का, जो कि बैंक अकाउंट नंबर आ चुका, IFSC कोड और ब्रांच का जो एड्रेस है वो आ चुका। अब यहां से आपको प्रोसीड अहेड पर क्लिक करना होगा आगे बढ़ने के लिए।
उसके बाद आपको ई साइन विद आधार की ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो भी आप प्रोसेस करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, इनका TNC वगैरह सब कुछ यहाँ पर आता है। कुल देखोगे तो 25 पेजेस है, जो कि यहाँ पर स्लाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस प्रकार से चेक कर लीजिएगा, रीड करना चाहे जरूर करिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करिएगा और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। जब आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको अब क्या करना होगा कि प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइन इन डिटेल आएगा, एग्री कर लेंगे आप यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक करके और साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सीधे जो है आधार से साइन इन करने के लिए पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा। सबसे पहले तो आप टिक बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वर्चुअल ID या आधार नंबर को दर्ज करेंगे और सेंड OTP बटन पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पूरा के पूरा आधार नंबर दर्ज करके सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, ठीक है। OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई OTP की ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई OTP आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपका OTP यहाँ से वेरिफिकेशन होगा, तो आपको वेट करना है। और आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे, ऑटो रीडायरेक्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट की पासवर्ड ऐड करना है, जो कि मिनिमम 6 कैरेक्टर, मैक्सिमम 12 कैरेक्टर, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट जरूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सेट पासवर्ड में दोनों पासवर्ड में सेम डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपका डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुल, KYC वेरीफिकेशन बाय धन ऐसे करके लिखा आएगा, तो तुरंत ये सब हो जाता है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होता है। कुल इतना स्टेप है और ये 5 से 10 मिनट में आपका पूरा स्टेप कम्प्लीट हो जाता है। जैसे थोड़ा देर बाद आओगे तो यहाँ पर मिनट चलता हुआ मिलेगा, लेट्स स्टार्ट विथ KYC पर क्लिक करोगे तो बताएगा कि इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ है और एक दो प्रोसेस तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होते ही मैसेज मिल जाता है, जो कि तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और होम पेज कुछ इस प्रकार से रहते हैं, एड फंड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारा इस्तेमाल करने का एक्सेस मिल जाता है, जो कि तुरंत के तुरंत आप इस डीमैट अकाउंट को यूज़ में ले सकते हैं। कोई दिक्कत और परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से धन एप्लीकेशन में आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है जब आप सारा प्रोसेस कर देते हैं, तो जो कि फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस होता है। और आप लोगों का जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, धन एप्लीकेशन ओपन करोगे तो इस प्रकार के इंटरफेस आपको नजर आएगा। जो भी आप पैसे लगाए रहते हैं ऊपर में आपको दिख जाता है, यहाँ पर सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे आप इसमें सीखते चले जाओगे। नीचे में आपको यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है और मनी का ऑप्शन मिलता है। मनी वाला में आप देखोगे तो IPO का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप देखोगे तो जितने भी IPO ओपन रहेंगे अप्लाई करने वाला, वो यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा। अपकमिंग में दिखाएगा कि कौन कौन से IPO आने वाले हैं और लिस्टेड IPO में दिखाएगा कि कौन कौन से IPO लिस्ट हुए हैं। तो इस तरह से ना आप काफ़ी आसानी से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो और काफ़ी कम चार्जेस के साथ ये एप्लीकेशन आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं मुझे, और एक्स पर भी मेरा अकाउंट मौजूद है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। कोई समस्या है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।